हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीना ब्लॉगर। मैं आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ लीना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नीम फ्लावर का फ्राई। तो इसीलिए आप लोगों के दिखा रही हूँ नीम के कितना पत्ते के साथ फ्लावर बर्ड सब आया हुआ है हमारे घर पर, तो इसीलिए शेयर कर ली। और ये देखिए, इसी फ्लावर और बर्ड को हम फ्राई करेंगे। बहुत सारा आया है और स्किन के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। इसको अभी मेरी माँ एक एक करके तोड़ रहे हैं। और ये नीम का पत्ते भी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। और नीम हमारा इस महीने में नीम का फ्लावर खाते हैं और जो बर्ड बोलते हैं उसको भी खाते हैं नीम का, क्योंकि नीम का बर्ड खाने से हमारा बोलते हैं कि जितना सारे भी स्किन का बीमारी है नहीं होता है। तो इसलिए इस महीने में हमारा जैसे भी हो थोड़ी सी भी हो खाना चाहिए। और ये नीम की कड़ी भी बहुत कड़वा होता है, लेकिन हमारा थोड़ा रिवाज है तो खाना चाहिए। इसलिए कोई खाए ना खाए, लेकिन थोड़ा सा मुँह में टच करना होता है इस महीने में खास करके। इसीलिए हमारा घर घर में ऐसे ही बनता है सभी का। और इसको थोड़ा सा बनाएंगे और बाकी जो फ्लावर थोड़ा बाद में उसको साफ़ करके रख देंगे, सुखा कर रखेंगे, धोकर सुखा कर रखेंगे अच्छे से, वो बाद में बनाएंगे उसको। और ये नीम का कड़ी धोकर मैं रख दी हूँ। और इसमें साथ प्याज और आलू को मैं इस टाइप का काटा हूँ, छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको उसके साथ मिलाकर फ्राई करूँगी। अगर नहीं हो तो आलू अगर बैंगन जो भी है उसके साथ मिलाकर फ्राई कर सकते हैं। हम लोग आलू भी कभी कभी करते हैं और कभी कभी बैंगन से भी फ्राई करते हैं। और यहाँ पर मेरा कढ़ाई में तेल गरम हो चुका था, सरसों का तेल दिया हूँ और प्याज थोड़ा सा डाल दिया। और उसमें अब भी प्याज भून गई थी तो 5 फुटन डाल दी। 5 फुटन डालकर थोड़ी सी भूनूंगी, उसके बाद आलू पहले फ्राई करूँगी आलू को थोड़ा सा। आलू जैसे भी अच्छे से तरह से बॉयल हो जाए और फ्राई हो जाए उसके बाद ही नीम के कढ़ी को डाल दूँगी। और ये उसके बाद अभी देख आलू भी थोड़ी सी मेरी फ्राई हुए। अभी हल्दी नमक डालकर उसको थोड़ी ढक्कन दे दूँ क्योंकि जल्दी से फ्राई हो जाए। इसीलिए पतला पतला आलू है, बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाएगा। इसे खुले छोड़ देंगे भी फ्राई होगा लेकिन टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ढक्कन देकर उसको रख देती हूँ। अभी उसके बाद ही उसका कढ़ी जो भी आलू थोड़ा पक जाएगा तो उसके बाद नीम का कढ़ी जो है उसमें डाल देंगे। यहाँ पर देखिए मेरा आलू पक गई है। अभी उसको जो कढ़ी है नीम का कढ़ी उसको डाल दूंगी, 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी और बनकर रेडी हो जाएगा हमारा नीम कढ़ी और आलू का फ्राई। आप लोग बैंगन के साथ भी बना सकते हैं। आलू को छोड़कर जो आलू नहीं खाते वो बैंगन के साथ खा सकते हैं और टेस्टी भी लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं टेस्टी लगता है, मुझे कड़वा लगता है, इसीलिए मैं सिर्फ थोड़ी सी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है हमारा सभी के लिए, स्किन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। और जो भी इसको खाए है उनको पता है कितना फ़ायदे की गुण है, तो आप लोग ज़रूर खाना। और आज के लिए मेरे पास इतना ही, और एक अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ नए के साथ मिलती हूँ। ये बन गई मेरी नीम कढ़ी का फ्राई, आप लोग ज़रूर एक बार बनाना। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और कमेंट करने के लिए मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।